हेलो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मेखला कुलकर्णी एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट वेलनेस कोच। और आज ये मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ मेरे प्यारे पेशेंट्स के लिए कि जो वेट लॉस के लिए आते हैं। अगर वेट लॉस है तो आपको लगता है कि मेरे खाना कम करना चाहिए और मैंने जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो बंद करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज़्यादा खाना खा के, सही खाना खा के आप ऐसा आपका वेट कैसे कम रख सकते हो। एनीवे, मैंने आपको डाइट प्लान दिया है। यूजुअली वेट कम होने से पहले आपका जो डाइजेशन है, जो हजम करने की शक्ति है, वो कम होना चाहिए। तो आई गिव 4 days ऑफ डिटॉक्स। मैं 4 दिन का डिटॉक्स देती हूँ। तो मैं पहले डिटॉक्स के बारे में बात करूँगी। इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। 4 दिन के बाद में जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे ही हम उठते हैं तो आप पहले क्या लेते हैं, इसके ऊपर आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि उठने के बाद में आपको गर्म पानी लेना है, ल्यूक वार्म, गुनगुना गर्म पानी। और उसमें हमारे जो मसाले के डिब्बा होता है उसमें से जो हल्दी का चम्मच है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। और उसमें ब्लैक पेपर यानी मिरे पाउडर डालना है, क्योंकि उसकी वजह से हल्दी का जो डाइजेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। ये आपको गर्म पानी पीना है। अभी इसके लिए बहुत ऑप्शंस है, लेकिन मैं ऑप्शंस वही दूंगी कि वो आपको आपके घर वालों को इजी होने चाहिए। यहाँ पे आप लेमन डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन यानी ओवा डाल सकते हैं, फ्लैक्सीड यानी अलसी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, एप्पल सिडर विनेगर आता है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल है ना, हल्दी और मिरे ब्लैक पेपर हमारे घर में होता है। तो यू स्टार्ट विद डे विद दिस। उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ, शायद मैंने डाइट प्लान में नहीं दिया है, लेकिन मैं बोलती हूँ। आपको चाय या कॉफ़ी की आदत होती है, तो आपको अगर चाय और कॉफ़ी की आदत है और आप उसको नहीं रोकना चाहते हैं तो आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कम दूध और कम शक्कर डालिए। शक्कर के बदले में आप जैगरी यानी गुड़ डालिए। लेकिन मैं अभी जो टिप बताने वाली हूँ, दैट इज बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। तो पहले तो आपने गर्म पानी हल्दी वाला पी लिया, बाद में ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले ये थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लेके आपको उसमें कॉफ़ी डालना है, ये ब्लैक कॉफ़ी होगी। और उसमें आपको क्या डालना है, ये आपने सुना भी होगा, ये है प्योर घी। तो ये 2 चम्मच घी है, छोटा वाला चम्मच अपना, 2 चम्मच घी उसमें डालिए। या ये जो 2 ढक्कन है ये कोकोनट वर्जन ऑयल है, कोकोनट वर्जन ऑयल, बाल का तेल लगाने वाला ऑयल नहीं, ये इसको बोलते कोल्ड प्रेस वर्जन कोकोनट ऑयल, वो आप डाल सकते हैं। ये क्यों डालना है, क्योंकि सुबह ये गुड फैट है, वो लेने से हमारा हजम शक्ति भी अच्छा होता है और आपको ज़्यादा भूख 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 नहीं होगा। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच घी ऐसे ही ले सकते हैं एंड उसके बाद में गर्म पानी भी ले सकते हैं। सो ये हो गया मॉर्निंग में। अगर आप उठने के बाद में ब्रेकफास्ट करोगे तो कितना, 2 घंटा मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे होना चाहिए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आपका ब्रेकफास्ट 9 बजे होना चाहिए। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आपका ब्रेकफास्ट 10 बजे होना चाहिए, यानी 10 बजे से पहले नहीं होना चाहिए। 10:30 चलेगा, 9:30 चलेगा, तो मिनिमम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम क्या करें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।